अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है सुभान अदा की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज का ब्लॉग करते हैं शुरू। जी गाइस, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन को भी ना भूलिएगा। जी गाइस, तो आज आप मुझे यूट्यूब पे बहुत देर के बाद देख रहे होंगे क्योंकि मेरे पेपर खत्म हो गए। जी गाइस, पेपर खत्म के होने की भी खुशखबरी है और मेरे चाचू भान है उसकी भी खुशखबरी है। जी गाइस, तो आज हम जा रहे हैं उनको एयरपोर्ट लेने सुबह के 5 बजे में। तो आज हम आपको दिखाएंगे कि हम अपने चाचू को कैसे लेने जा रहे हैं एयरपोर्ट। तो हम एयरपोर्ट आ गए हैं और ये हम छत पे आए हैं। तो प्लेन कहाँ गया? जी गाइस, अभी यहाँ से प्लेन जा रहा था, प्लेन कहाँ चुक गया। तो ये सिक्योरिटी है सारी उनकी। तो अब हम कल अपने चाचू को लेके आ चुके हैं, तो अब आपको अपना घर दिखाता हूँ। आपको मैंने दिखाई थी ये टाइल्स लगी है, इसकी फिलिंग हो गई अंदर और ये लगी है पट्टी टाइप की, इसको कहते हैं। इसके अंदर सुराख थे, ये भी हो गए। अभी नहीं कलर इसको मेरे करना है, लेकिन अभी नहीं कराएंगे, जब हमारे पैसे चले जाएंगे तब हम कराएंगे। गैस से ये हो गया सब कुछ, ये हर जगह हो गया। जी गाइस, तो ये है इसकी टाइल जो यहाँ पे तोड़ रही थी अंकल, ये वही जगह ये टाइल। और यहाँ पे मैंने सोफे रखे हैं और ये सी ग्रिल चेंज करी है हमने, सीलिंग हो गई है, कलर हो गया। उसके बाद ये किचन दरवाजे लग गए, यहाँ पे बिल्डिंग लगी हुई है। एक ये है वाशरूम, वैसे बॉडी पूरे सारे चेंज करें हम। और ये है एंट्रेंस और ये सामने टाइल और ये है वॉलपेपर। जी गाइस, तो इसके ये बिल्कुल सामने ये दरवाजा नहीं लगा है, दरवाजे मैं बिल्कुल सारे नहीं लगवाए। और गाइस, तो ये नया फर्नीचर आया, अब दूसरे कमरे का भी दिखाना है जहाँ पे मेरे चाचू रहते हैं। और जी गाइस, तो ये वॉलपेपर हमने लगवाया और ये देखें जो हम बंदे रस्सी से बांधते हैं ना उसे छतरी का ही आ गए। अगर आपने बांध करना है तो ऐसे इधर से सीए भी नहीं बस। तो ये सारा वहाँ पेपर अगर कमेंट में बताइएगा कि आप कैसे लगे वहाँ पेपर। नहीं बस, तो ये दो वहाँ पेपर लगे और ये चेयर रखी हमने, ये फर्नीचर क्योंकि अभी ये टेबल लगना है, यहाँ पे लगना है सारा, एक चीज़ कम पा गई उनकी ये भी। और जी गाइस, ये पर्दे हमने सारे नहीं लगाए, बाल का आपको दिखाता हूँ अभी क्यों पर्दे नहीं लगाए। और जी गाइस, ये है अलमारी सारे तैयार है। तब इसके बाद आपको मैं ये कमरा, ये वॉशरूम दिखाता हूँ। जी गाइस, ये वॉशरूम देखें, ये सारा वॉशरूम। और तब आप ये शीशे के देख रहे हैं, ये शीशा क्यों है। जी गाइस, ये नहाने में जगह और ये दादा से बंद, ये सब कुछ ये वाशरूम है, लाइट बंद करते हैं। जी गाइस, इसके ये भी कुछ सामने जो ये कमरा है इसको भी पर्दे लग चुके हैं, लेकिन इसका फर्नीचर भी पॉलिश हो रहा है इसके पर्दे। यहाँ पे भी पेपर लगा है और यहाँ पे एसी लगेगा भी। और ये इसकी अलमारी, मेरे छोटे भाई की साइकिल। और यहाँ पे बिल्डिंग लगी हुई है सारी, दरवाजों के सारे जहाँ तक बिल्डिंग लगी है। उसके बाद जैसे आपको ये बड़ा कमरा दिखाता हूँ, ये बिल्कुल इस तरफ ये कमरा है जो मैं काफ़ी बड़ा सा कमरा दिखाता हूँ। जी गाइस, तो यहाँ पे ये अलमारी बनी है, बस इसके यहाँ पे अंदर शीशा रह गया। ये बर्तनों के लिए रखेंगे और ये मेरे कपड़ों के लिए होगी जो मैंने कल कपड़े पहने हैं, मैंने लगा दी हुई है लटकाए। उसके बाद टाइल चली गई और ये पर्दे, ये भी न्यू। और ये चेयर्स, ये भी न्यू लगे। और यहाँ पे मेरे टीवी भी लगाना है और ये सेम। और ये है मेरे चाचू का कमरा। उसके बाद
ये है वो पर्दे जो मैं आपको बाद में दिखाने थे। यू गाइस तो ये है पर्दे इसके, और ये टोटली एक कमरा है जिसकी लाइटें ऑन होनी है, नहीं होगी नहीं है, मैं आपको ऑन कर दिखाते। ओ ऐसे तो इसकी पूरी लाइटें ऑन होगी। और जी गाइस तो एक ये कमरा है, मैं सोच रहा हूँ कि मैं ले लूँ, यहाँ पे टीवी भी लगा। और ये जी तो ये इसका बेड, और ये यहाँ पे वॉशरूम है। ये तो इसका, ये जी वैसे इसका ये वॉशरूम है। तो ये था एक कमरा पूरा। उसके बाद ये है एक और कमरा, इसका दरवाजा और इसकी टाइल देखें। ये आपको क्या था इसकी तो दबाई बच्ची ये वाला ही कमरा है, देखिए आप कितना प्यारा हो गया। ये इसके पर्दे, और ये इसकी टीवी ट्रॉली, और ये इसकी अलमारी। इसके बाद ये तो इसका ये वॉशरूम। ये गाय सब हमने हर जगह ये लगाए, बस दो वॉशरूम में नहीं लगाए, बाकी हर जगह लगाए। जी गाइस तो इस कमरे के आपको मैं पर्दे दिखा दूँ, कलर मैच मैच आपके साथ हुए हैं इसके सारा। जी गाइस तो ये था क्या कमरा अंदर वाला। जी गाइस आपको मैं आपको ये देखें इसके अंदर शीशा लगने वाला, अब मैं आपको इसके शीशे दिखाता हूँ। आपको ये दिखा दें जो बड़े बड़े शीशे जहाँ पर लगने ना उन दरवाजों के ये लगे हैं, बिना सुकून दिया इसको। जी गाइस तो ये हमारे घर की हुई है कंस्ट्रक्शन। गाइस तो ये थी हमारे घर की कंस्ट्रक्शन जो मैंने आपको दिखा दी है। तो अब मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ज़्यादा यार की कर, वो भी यादी की कर बहुत ज़्यादा, पर अल्लाह हाफिज़ अगले ब्लॉग के लिए।